1,000 years later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप सबको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं 3 अलग अलग शादियों में. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी हम शादी में आए हैं. सुबह हम 9 बजे निकले थे और यहाँ लगभग 4 बजे के आसपास हम भावनगर पहुँच गए. मेरी सिस्टर की वेडिंग है जहाँ पे आज मेहंदी का फंक्शन है, तो मैंने ग्रीन पहना है जैसा कि आप देख सकते हो. और अभी हम जा रहे हैं वहीं पे, अभी मेहंदी का फंक्शन अटेंड करें. उनकी मेहंदी कैसी है तो उन्होंने बोला है कि वो आदित्य का फोटो मुझे हाथ में ड्रॉ कर देंगे मेहंदी में. लेट्स मैं ना पूरा फंक्शन ही अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे हाथों में तब मेहंदी लग रही थी और एक हाथ में लगी हुई थी और मैं यहाँ पे आई थी. दोनों ही हाथों में मेहंदी लग चुकी है. कितना ब्यूटीफुली भैया ने किया है, बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे मेहंदी. रियल सो परफेक्ट. जहाँ पर मैं मेहंदी लगवाने बैठी थी वहीं पर रीना दी के दो मेकअप आर्टिस्ट थे, दो लेडीज़ थी जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. और उनको मैंने बताया कि मेरी यूट्यूब चैनल है और आई एम सिंगर, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें कुछ सुनाइए. और फिर मैंने एक पुराना गाना सुनाया था जो उन्हें बहुत अच्छा लगा था. ये है हमारी दुल्हनिया जी. एक्सक्यूज मी, दुल्हनिया रेडी फॉर द हल्दी. अभी हम हल्दी अटेंड करने जा रहे हैं. मैंने ज्यादा कुछ भी आगे व्लॉग के लिए कुछ लिया नहीं है. अब मुझे याद आया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ. अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं. कहीं देखने वाले लोगों को पता नहीं होता कि हमारी शादियों में कैसा रिवाज होता है. जिसकी भी शादी होती है वो देवी के मंदिर जाते हैं अपने गांव में. तो स्पेशली मैंने
इसीलिए ये ब्लॉग बनाया है आपको पता चले, क्योंकि मेरे दी की वेडिंग की जो भी वीडियोस डाली थी तब सबको बहुत क्वेश्चन हो रहा था कि ब्राइड यहाँ पे है तो दूल्हा कहाँ पे, हमारे में विदाई होती है यहाँ से, उसके बाद जहाँ पे दूल्हा होता है वहीं पे शादी होती है। अभी 3:30 बजे और रीना दीदी की विदाई है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। वो जो टाइम होता है अपने परिवार के लिए, बेटी की विदाई होती है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशियों का माहौल है, पर आंख मेरी भर आई है, संभाले नहीं संभल रही मेरी भावनाएं, क्योंकि आज मेरी बहन की विदाई है। अटेंड किए थे, अभी हम जा रहे हैं, वो है पूजा दीदी जो दीदी की फ्रेंड है। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होगा और फिर रात को हम जाएंगे रीना दीदी की शादी। फंक्शन का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि हल्दी है या फिर मेहंदी, तो मैंने ग्रीन पहना था, बट फिर भी वो मैच कर गया था तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दीदू को आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन तब तक वो आ गई थी फंक्शन खत्म होने से पहले ही अपनी सहेली से मिलने। यहाँ से सीधे रीना दी की शादी पे गए थे, मामा और मामी ने ही कन्यादान किया था तब। गुड मॉर्निंग, इट्स थर्ड डे। हम नाना बापू के घर पे थे, अभी हम जाएंगे दूसरी शादी। हरिओम नाना बापू, हरिओम कर दो। अभी हम भावनगर में हैं, यहाँ से हम जाएंगे चमाड़ी। वो सो क्या मामा, वो मेरे मम्मा का गाँव है, मारू से था मौसम, चमंडी। वो मेरे मामा का गाँव है, मतलब मेरा मौसा, गुजराती में उसे मौसा कहते हैं। मेरे देखने वाले ज्यादातर लोग गुजराती है जो समझ जाएंगे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे शादी पे जा रहे हैं। जय माता जी कर, जय माता जी। अभी नाना बापू हैं घर पे और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे चमाड़ी। ये एंट्री है यहाँ से चमाड़ी। मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का माहौल और दूसरा यहाँ के हाउसेस, रियली रियली ब्यूटीफुल, अमेजिंग यार। इतने ब्यूटीफुल हाउस मैंने कभी नहीं देखे, लाइक एंटिक पीस नहीं होता जो पुराना होता है, सब देखने आएंगे। बहुत अच्छे हाउस होते हैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा यहाँ के पहाड़, वाओ। पहले के जमाने के जो हाउस होते थे ना झरूखे वाले, यहाँ पे सब ऐसे जो पुराने हैं ना अभी तक,
वो सारे वैसे। यहाँ के घर में जैसे अलग ही दुनिया में आ गई हूँ मैं। यहाँ का सवेरा माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत मज़ा ही आ गया। इसकी चोटी पे एग्जैक्टली माँ का मंदिर है जहाँ पे हम जाने वाले थे पर नहीं जा पाए। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि हम जहाँ पर भी शादी में गए थे सब इतने, मतलब इतने मिलजुल गए थे, इतना मज़ा आया ना, इतनी सारी मेमोरीज बन जाती है, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है आप लोग देख रहे हो, जो लेडीज गर्ल्स दे ऑल आर वेरी एडोरेबल और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जितने भी लोग मुझसे मिले थे, आई लव यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर एडोरेबल, द वे यू ट्रीट मी, द वे यू गिव मी रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। आई नो कि आपको भी ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।